कैसा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मुझे बहुत कुछ आता है, मैं अभी भी सीरियसली मैं अभी भी सीख रही हूँ। यूट्यूबर के लिए आप देखोगे कि वो कुछ भी दिखाते हैं, अगर आप मतलब वहाँ पे सर्च करोगे कि हम आप अपने व्यूज कैसे बढ़ाएं, पता है वो आपको क्या सजेस्ट करेंगे? आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे पहुँचो, उन्हें फॉलो करो, उनकी वीडियो लाइक करो। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे गाइस आप सब लोग, मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी चल रही रक्षाबंधन की तैयारियाँ, तो रक्षाबंधन की तैयारियों में इतने सारे कपड़े निकाल लिए गए हैं। और गाइस रक्षाबंधन को अभी आने में, क्योंकि आज है 25, तो कुछ लोग रक्षाबंधन 30 तारीख के मना रहे हैं, कुछ लोग 31 के मना रहे हैं। आप लोग कब मना रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना। अभी भी मुझे भी नहीं पता कि रक्षाबंधन आखिर मनाई किस डेट को जाएंगे। कोई नहीं, मैं बस अपनी तैयारियां करने पे लगी हुई हूँ। ये वाला निकाला है मैंने एक येलो कलर का सूट, जो अभी बना नहीं है, जिसका सेम टू सेम सारी चीज़ें एक सी हैं जो मैं लेके आई थी। सॉरी, इसके लिए ना बस मैं अभी इसको मतलब तैयार कराने वाली हूँ। और ये मैं ये दो साड़ियाँ ये भी मैं तैयार कराने वाली हूँ। ये वाली कॉटन की साड़ियाँ हैं, और दूसरा ये तीसरा ये वाला सूट है मेरा। तो ये दो सूट और ये दो साड़ियाँ जो मैं तैयार करा रही हूँ इनके लिए, जो हमारी बुआ जी ने दिया था हमारे लिए सूट। तो ना एक्चुअली मुझे इतनी जोड़ी कपड़े इसलिए तैयार कराने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपने घर आई मीन सोरो में जो जा रही हूँ ना, मुझे 4-5 दिन के लिए मैं जा रही हूँ। सो गाइस, तो मेरा प्लान है कि मैं 5-6 दिन में वापस आऊँ। तो पूरा मेरा प्लान है कि मैं 5-6 दिन में आ रहा हूँ। तो 5-6 दिन के लिए जब हम जा रहे हैं तो फिर मैं वहाँ जाके सोचूंगी कि हाँ कहाँ मुझे जाना है, क्योंकि जब भी मैं सो रह जाती हूँ तो कहीं ना कहीं करने मतलब मैं घर पे नहीं बैठती, बस मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है, जिसके लिए मुझे चाहिए कपड़े कपड़े और वो भी न्यू कपड़े चाहिए। तो मैंने अभी 4 जोड़ी इसमें से निकाली है जो मुझे न्यू अभी तैयार कराने हैं। और पता है एक चीज़, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज का और कल का दिन है इनको तैयार करना के। जो भी तैयार होंगे वो लेके जाऊंगी, और नहीं होंगे उनको बिना तैयार किया हुआ भी लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ जाके तैयार करा लूंगी उनके लिए। तो बस वही तैयारियाँ चल रही है रक्षाबंधन की, और हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस आप सभी के लिए। और आप लोगों में से तैयारियाँ कौन कौन कर रहा है रक्षाबंधन की? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ हर फेस्टिवल को मनाने के लिए। और अब तो रक्षाबंधन है, भाई और बहन का फेस्टिवल है मेरे ऑल भाइयों के लिए, साथ के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। सो गाइस सब कुछ करना है अभी तक, क्योंकि इतना ज़्यादा सब कुछ फैला रखा है मैंने, इधर से उधर पूरा बेड मतलब मेरा फैला हुआ रखा है। ये फॉर्म थी ना वो मेरे इस वाले सूट में से निकली थी, तो ये सूट आपको देखने को मिलेगा। अभी ना इसको मैंने उल्टा करके फोल्ड कर रखा है अभी प्रेस करके, तो ये भी आपको अभी देखने को मिलेगा, वो भी वीडियो में देखने मिलेगा। और ये जो मेरी कॉटन की साड़ी है यार, इसके साथ का ना अभी ब्लाउज मेरा नहीं बना है, ये इसके ब्लाउज रखे हुए हैं, दोनों ब्लाउज रखे हुए हैं इसके साथ के। पर मुझे लग रहा है ये वाला जो ब्लाउज है ना मेरा, वो इसके साथ मैच कर जाएगा कहीं ना कहीं। पर मैं अगर मुझसे मतलब मैं बना सकूंगी तो इसको मतलब अगर बन जाएगा तो बन जाएगा, वरना फिर मैं इसको इसके साथ ही मैच करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली साड़ी पहननी है। और एक चीज़, अगर कोई भी न्यू कपड़ा होता है तो वो मुझे पहनना होता है, मैं ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकती उसके साथ कि वो रखा रहे नहीं, मुझे बस पहनना है, बस 2-4-5 दिन बस रखा रहे, उसके बाद मुझे न्यू कपड़े पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप में से किस किस को अच्छा लगता है न्यू कपड़े? सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ, मैंने अपना एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है सोशल मीडिया आइडियाज़ के लिए। वो इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था ये कि आप मतलब जो एडिटिंग करते हो कैसे करते हो, थंबनेल लगाते हो कैसे लगाते हो, एंड फेसबुक पर भी 3 और 4 मंथ में आपने इतने फॉलोअर्स गेन कर लिए, मतलब कैसे कर लिए? तो बस मैं वही आइडिया आपको दूंगी इसमें। तो जो भी मुझे आता है आप ये मत समझना कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ इसमें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो भी मतलब मैंने इस चैनल पे ऊपर लाने के लिए मैं जो भी करती हूँ ना, वो बस वही सजेस्ट करूँगी आपके लिए, और एकदम रियल करूँगी जो भी मतलब मैंने महसूस किया है, जो भी वो गुलाब के बारे में, जो भी गुलाब के बारे में रहता है कि हाँ मतलब मुझे मिलते हैं तो मतलब कैसे करती हूँ मैं ये सब, तो बस वही आइडिया आपको दूंगी। और आप लोगों को प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना उसके लिए। तो जल्दी से ज़्यादा अभी मैंने उस पर वीडियो नहीं डाली, आप जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो डालने वाली हूँ।
तो गाइस बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपके लिए उस चैनल पर भी वीडियो मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि अभी मैं तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक सीखना अलग बात होती है और किसी को सिखाना वो बहुत ही ज़्यादा अलग बात होती है। आप मतलब मैं आपको ऐसा बताना चाहती हूँ कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए, आपको कोई भी ऐसा ना लगे कुछ पार्ट हमें समझ में नहीं आए। तो मैं पूरी तैयारी मतलब ऐसी ही कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे कम से कम 1 वीक हो गया चैनल बनाए हुए, अभी तक मैं वीडियो उस पर मैंने इसीलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मैं परफेक्ट तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं वीडियो मतलब सोच रही हूँ बनाने के लिए, वो मेरे मतलब मेरी फ्रेंड है उसका क्वेश्चन है कि मैं जो लॉन्ग वीडियो रहती है वो मैं कैसे अपलोड करती हूँ FB पर। तो मैं सबसे पहले उन्हीं को ध्यान में रख के ये उनका मतलब जो क्वेश्चन है वो पक्का क्लियर करूँगी, सबसे पहले तो उन्हीं का क्लियर करूँगी जी, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत ही जल्दी चैनल बना के इस चीज़ को आपको बताऊँगी, एकदम क्लियरली करके बनाऊँगी एक स्टेप बाई स्टेप कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो अगर आप लोगों का भी ऐसे कोई आइडिया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। गाइस अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो उस पर कमेंट नहीं करना, आप यहीं पर आकर कमेंट कर सकते हैं कि मैं मतलब किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मतलब 2-3 टॉपिक मैंने ढूंढ लिए जिसके क्वेश्चन हैं उन्हीं के बारे में मतलब मैंने वीडियो बनाने के बारे में अभी सोचा है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं पक्का अगर मुझे आइडिया होगा तो पक्का आपके साथ शेयर करूंगी उस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे इस वाले चैनल को एंड उस वाले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना। और पता है अभी भी मतलब ऐसा है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मुझे बहुत कुछ आता है, मैं अभी भी सीरियसली मैं अभी भी सीख रही हूँ, सिर्फ और सीख रही हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। इतनी जल्दी हमें कुछ भी नहीं मिल जाता है, कुछ भी नहीं मिलता, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, टाइम चाहिए। तो मैं आपके लिए बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी मतलब इसमें आना चाहते हैं तो प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि इतनी जल्दी आप सोचो कि आपकी आपने वीडियो डाली और तुरंत सब कुछ हो जाए, नहीं होता है भाई, नहीं होता है। मुझे 4-5 महीने हो चुके हैं इसमें काम करते करते, मतलब आपको शायद आपको दिख रही हो मेरी मेहनत नहीं दिख रही हो, पर मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, कितना ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो बहुत कुछ करना पड़ता है तब एक जो वीडियो आप लोग बहुत ही मतलब मैं शॉर्ट्स वीडियो की बात कर रही हूँ, जो वीडियो आप कुछ 1 मिनट में ख़त्म कर देते हो, यार हमारी कम से कम 1-2 घंटे की मेहनत होती है वो, तब हम बना पाते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद में उसका टाइटल उसका थंबनेल देखने के बाद में तब आपके पास शेयर कर पाते हैं उसके लिए, और तब आपको जाके वो कहीं मिलती है। तो इसके लिए हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो। एंड गाइस यहाँ तक आने के लिए आपके लिए मतलब आपके लिए समझ लो 2K 3K आने के लिए आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है, आप एक चीज़ सीखोगे तब आपके लिए समझ आएगा। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब अभी कल मतलब कल का टाइम था, कल मैंने एक चीज़ यूट्यूब के लिए सीखी थी, कल मैंने सीखी थी, मतलब मैं अभी भी सीख रही हूँ, कल भी मैंने कुछ सीखा था मतलब कोई चीज़, क्योंकि अभी ना यूट्यूबर के लिए आप देखोगे कि वो कुछ भी दिखाते हैं, अगर आप मतलब वहाँ पे सर्च करोगे कि हम अब अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, पता है वो आपको क्या सजेस्ट करेंगे, आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे पहुँचो, उन्हें फॉलो करो, उनकी वीडियो लाइक करो, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, वो आप ग्रो कर रहे हो ना उससे, हम तो ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो डाल रहे हैं, तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे सीधा सीधा मुद्दा है कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी में जाके हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। गाइस मैं उन सारे यूट्यूबर्स के लिए अगर वो मेरी वीडियो देख लें तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मतलब व्यक्ति अपना कीमती वक्त आपकी वीडियो में आने के लिए दे रहा है, मतलब हो सकता है कि वो उसका सोने का वक्त हो। मैं वीडियो तो जब देखती हूँ जब मेरे सोने का वक्त होता है, सीरियसली बता रही हूँ आपके लिए, मैं जब मोबाइल लेके बैठती हूँ जब मेरा सोने का टाइम होता है, मैं अपनी नहीं सोती हूँ, मैं आके मैं सिर्फ मोबाइल में कुछ ना कुछ देखती हूँ, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतने उल्टे सीधे थंबनेल लगा के और जिसकी आपकी वीडियो में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप अपने आप को ग्रो कर रहे होते हो, हमारे लिए उसमें कुछ नहीं होता है, तो आप प्लीज़ ऐसी वीडियो ना डाला करें। हाँ आप अपना टाइम दे रहे हो वो सही है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, पर प्लीज़ किसी और का वक्त बर्बाद मत करो उसके लिए बिल्कुल भी किसी और का वक्त, क्योंकि आप अपना वक्त दे रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन हम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं ना आपकी वीडियो देख के, तो प्लीज़ मत करो प्लीज़।
एंड गाइस मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, जो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे आप वही देखो, नहीं रहे तुरंत स्किप करो, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा भी टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वही वीडियो देखो। एंड गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ मेरे दूसरे वाले चैनल को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सोशल मीडिया आइडियाज़ का, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कर दो। तो मैं बहुत ही जल्दी उस पर वीडियो लाने वाली हूँ, आपका जो भी टॉपिक आप बता सकते हैं कमेंट में आके, और मेरी वीडियो एंड मेरी ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं, एंड मेरे इनबॉक्स में मेरी तारीफ करने के अलावा मेरे कमेंट बॉक्स में भी तारीफ कर दिया करो यार, अच्छा लगता है हमें। तो प्लीज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी व्हाट्सअप पर जाके तारीफ करते हैं, अरे व्हाट्सअप पर मत करो, कमेंट बॉक्स में कर दो यार प्लीज़। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो, एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।